तो बीजेपी ने एक बार भिंड से एक बार फिर नए चेहरे को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने भिंड से नया प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा के पूर्व विधायक संध्या राय को भिंड दतिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2009 में मुरैना के अशोक अर्गल और 2014 में भागीरथ प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाकर भिंड दतिया संसदीय सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। इस बार संध्या राय को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी फिर से नया प्रयोग करने जा रही है। संध्या राय पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह की करीबी मानी जाने वाली संध्या राय 2008 में मुरैना की दिमनी विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। इससे पहले 2001 में मंडी अध्यक्ष के रूप में संध्या राय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2011-12 में संध्या राय महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी पद संभाल चुकी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में संध्या राय ने टिकट के लिए जोर आजमाइश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। पार्टी के प्रति वफादारी और काम के प्रति ईमानदारी देखकर पार्टी ने एक बार फिर संध्या राय पर भरोसा जताते हुए ने भिंड दतिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है।